नेपाल सीमा के रक्सौल बॉर्डर के नो मेंस लैंड पर पड़ोसी देश नेपाल ने कचरा गिराकर कब्जा करना शुरू कर दिया है। नो मेंस लैंड को नेपाल के कर्मचारी नेपाल की जमीन बता रहे हैं, जबकि भारत की सुरक्षा एजेंसी और प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। पड़ोसी देश नेपाल ने नो मेंस जमीन पर कब्जा करने का एक नया तरीका निकाला है। यहां दिन के उजाले में बीरगंज उप महानगर पालिका के कर्मचारी के देखरेख में प्रतिदिन सैकड़ों ट्रेलर कचरा नो मेंस लैंड पर डाला जा रहा है। नेपाल के आर्थिक राजधानी से प्रसिद्ध वीरगंज उप महानगर पालिका ने प्रतिदिन 50 ट्रैक्टर से ज्यादा कूड़ा कचरा नो मेंस लैंड पर डालना शुरू कर दिया है। इस कूड़े कचरे में घरों, दुकानों और कचरे के साथ साथ हॉस्पिटल के दवाइयां, सुई और अन्य अविष्ट पदार्थ भी शामिल हैं। नो मेंस लैंड को अपना हिस्सा बताकर इस तरह के सभी कचरे को वीरगंज उप महानगर पालिका रक्सौल बॉर्डर के नो मेंस लैंड पर मैत्री पुल के समीप सरिसवा नदी के किनारे डालता है। नेपाल के कचरे से सरिसवा नदी भी अब अपना अस्तित्व खोने लगा है, जिससे भविष्य में इलाके में जल संकट भी हो सकता है। इस कचरे के दुर्गंध से रक्सौल शहरवासी को रहना मुश्किल हो गया है। वहीं सरिसवा नदी के किनारे कचरा डालने से नदी के पानी भी प्रदूषित हो रहे हैं। यहीं नदी जब रक्सौल होकर आगे गंगा में मिलती है तो सभी जगहों को प्रदूषित करते हुए जाती है। इस नदी के प्रदूषित पानी की वजह से नदी के किनारे बसे लोगों को कैंसर, लीवर और किडनी फेल जैसी गंभीर बीमारियां होने लगी हैं। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु बोर्ड प्रबंधन के नियम अनुसार शहर के कूड़ा कचरा को शहर से 3 किलोमीटर से दूर कचरा डंप करना है। हद तो तब हो गई जब बीरगंज नगर पालिका के कर्मचारी ने नो मेंस लैंड एरिया को नेपाल का कब्जा बताया और कहा कि ये सब एरिया नेपाल का है, इसलिए कचरा गिरा रहे हैं। जबकि दो देशों के बीच सीमा संधि के अनुसार बॉर्डर पिलर से दोनों साइड 33 फीट नो मेंस लैंड एरिया होता है, जिस पर दोनों देश में से कोई भी देश अपने नो मेंस लैंड का उपयोग नहीं कर सकता है। नियम अनुसार आम जनता को भी नो मेंस लैंड पर आवागमन वर्जित है। बस सीमा सुरक्षा फोर्स बॉर्डर पिलर की देख रेख में पेट्रोलिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर कूड़ा करकट कैसे गिरा रहे हैं आप? आप है ना स्टाफ, आप कहाँ से स्टाफ हैं, कैसे यहाँ पर गिरा रहे कूड़ा करकट? बीरगंज से। तो यहाँ पर कैसे गिरा रहे आप? इंडिया साइड में बीरगंज का कूड़ा लगा गिरा रहे हैं? नेपाल है। नेपाल है? नेपाल का। कहाँ तक नेपाल आता है ये? कहाँ से नेपाल के कौन से किसके कहने पर गिरा रहे हैं यहाँ कचरा? किसके कहने से यहाँ करकट से कचरा गिरा रहे हैं? ये सरिसवा नदी है और यह रक्सौल और सीमांचल क्षेत्र की जीवनदायिनी नदी कही जाती थी। इससे कुष्ठ रोग का इलाज हुआ करता था, इसलिए इस नदी के किनारे कुष्ठ रोगियों की आवासीय कॉलोनियाँ स्थित है। इतना ही नहीं बल्कि इसके जल अमृत के रूप में लिया जाता था, ग्रहण किया जाता था, हर काम में इसका उपयोग होता था, खाने से लेकर के पीने तक। लेकिन 2 दशक पूर्व नेपाल ने अपने जितने भी औद्योगिक कल कारखाने उसके स्थापित हुए सारे के अवशिष्ट इस नदी में प्रवाहित करने लगा। परिणाम क्या हुआ कि नदी का पानी जहरीला हो गया। इसके पानी में कैडमियम, मरकरी, लेड बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने लगा। और उसके बाद ये जो नेपाल का वीरगंज महानगर पालिका है, अपने क्षेत्र का सारा कूड़ा कचरा, इतना ही नहीं बल्कि अस्पतालों से संबंधित जितने भी कचरे हैं सभी को ला करके नदी के किनारे नो मेंस लैंड पर डालना प्रारंभ किया। और जो नदी में बहते हुए बरसात के दिनों में ऐसे भी सामान्य रूप से सड़ते हुए बहते हुए रक्सौल में पहुंचता है और नदी बिल्कुल काली, बदरंग, दुर्गंध युक्त, अनेकों बीमारियों को पैदा करने वाली बन चुकी है। यह रक्सौल ही नहीं बल्कि सीमांचल क्षेत्र के 10 लाख आबादी को प्रभावित कर रही है। अभिशाप बन गई है यह नदी। आम जनता त्राहि त्राहि कर रही है। अनेकों प्रकार की बीमारियां, किडनी कैंसर फेल, कैंसर किडनी फेल, साथ ही साथ है आपको लिवर सिरोसिस के अनेकों लोग मौत के घाट उतर चुके हैं और अनेकों लोग मौत से जूझ रहे हैं। इतनी बुरी स्थिति है इस नदी की। देखिए, नो मेंस लैंड का निरीक्षण मेरे द्वारा अभी हाल में किया गया है और ये बात सत्य है कि रक्सौल वीरगंज नगर परिषद के द्वारा वहाँ पे कचरा गिराया जा रहा है, नदी में भी गिराया गया है। और इस संदर्भ में CDO साहब से बात भी हुई है, वीरगंज के CDO से, और उनको अवगत भी कराया गया है कि आपके नगर पालिका के द्वारा यहाँ पे कचरा गिराया जा रहा है। इसी संदर्भ में मोतिहारी के जिला पदाधिकारी महोदय से ही मेरी बात हुई है
और उन्होंने डिटेल रिपोर्ट कहा है कि आप बनाकर भेजें और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो एक दो दिन के अंदर हम लोग इसके ऊपर एक डिटेल रिपोर्ट विद पिक्चर्स हम जिला पदाधिकारी महोदय के पास भेज रहे हैं और उसके बाद निश्चित रूप से इसके ऊपर कोई ठोस और सकारात्मक कार्रवाई होगी। नेशन भारत के न्यूज रूम से मैं कात्यायनी मिश्रा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशन भारत को।